नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन. फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर किस टाइप से होता है. द फूड चेन इन अ कम्युनिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट अ स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ फूड एंड द एनर्जी कंटेंट इन फूड. द फूड एंड एनर्जी एंटर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम. वॉट आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम? प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, दीज आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम. ना फूड और एनर्जी कैसे एंटर करते हैं लिविंग कंपोनेंट में? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच कंबाइंस द सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एनर्जी टू फॉर्म फूड. दिस फूड एंड एनर्जी इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म टू द हर्बीवोर, फ्रॉम हर्बीवोर टू कार्निवोर थ्रू दिस फूड चेन, from carnivore to top carnivore. Let us discuss this flow of energy in detail. Let us study with this figure. The green plant have a mechanism for trapping solar energy. Green plant ही होते हैं जो solar energy को trap करते हैं with the help of their green pigment called chlorophyll. The green plant after trapping the solar energy converted into chemical energy which is stored as carbohydrate in the plant. Thus, the initial point where energy from the environment enters into the living component of the ecosystem. यही सबसे first step होता है, सबसे initial step होता है ecosystem का, जहाँ से sun की energy, solar energy को producers trap करते हैं और convert कर देते हैं chemical energy में. About 1% of the sun energy falling on the leaves is used by the plant in the process of photosynthesis and stored as chemical energy of food. The plant utilizes the energy stored in them for their metabolic activities. Some of the energy is however not utilized and it is released as unusable heat into the community environment. कुछ तो एनर्जी ये लोग यूज़ कर लेते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए और जो अनयूज होती है वो हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में वापस चली जाती है. द सेकेंड स्टेप, द प्लांट आर ईटन अप बाय हर्बीवोर. और ये केमिकल एनर्जी कहाँ पहुँचेगी? फिर हर्बीवोर्स में. हर्बीवोर इस एनर्जी को यूज़ करेंगे अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में और जो अनयूज होगी वो हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में चली जाएगी. हर्बीवोर से जाएगी एनर्जी कार्निवोर में. कार्निवोर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे और जो अनयूटिलाइज्ड हीट होगी वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी. इसी तरह कार्निवोर्स टॉप कार्निवोर्स को ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी और इसमें से जो उन्हें यूज़ करनी है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वो यूज़ कर लेंगे और बाकी अनयूटिलाइज्ड फॉर्म में हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में चली जाएगी. Like that, after the decomposition of producer, herbivore, carnivore and top carnivore, इनके डीके होने के बाद कौन यूज़ करेगा इनकी एनर्जी को? डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स को भी अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जितनी हीट, जितनी एनर्जी यूज़ करनी होगी वो कर लेंगे, बाकी वो भी हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में सेंड कर देंगे एनर्जी को. इट इज़ ऑब्वियस From this discussion that the energy which remain unutilized by producer, herbivore, carnivore, top carnivore and decomposers is lost into the environment as heat. It is called community heat. We should remember the following points about the transfer of energy in the ecosystem. Okay? The first is energy is not created in the ecosystem. एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी क्रिएट नहीं होती है कभी भी इकोसिस्टम में. एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. सी इन दिस फिगर, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर्स ने लिया, चेंज किया केमिकल एनर्जी में और फिर यही केमिकल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती हुई इकोसिस्टम में आगे बढ़ती रही. There is continuous transfer of energy from one trophic level to the next trophic level in a food chain. एक trophic level से energy दूसरे trophic level पर transfer होती रहती है. At each trophic level, some of the energy is utilized by the organism for their metabolic activities. हर trophic level पर energy use होगी organism के द्वारा
किस लिए? फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अ पार्ट ऑफ एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज यूटिलाइज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डीकम्पोजर्स. अब क्या होगा, हर ट्रॉफिक लेवल पे यूटिलाइज एनर्जी डीकम्पोजर की फंक्शनिंग के लिए भी यूज होगी. देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट ईच एनर्जी ट्रांसफर इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच गोज इन टू द एनवायरमेंट एंड रिमेन्स अनयूटिलाइज. अब क्या होगा, जो एनर्जी लॉस हो जाएगी है ना सारे ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो क्या होगा, अनयूटिलाइज रहेगी और वो कहाँ चली जाएगी, गोज इन टू द एनवायरमेंट.